सो हेलो वेलकम अगेन। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम कॉर्निश रोड जाएंगे, यानी कि कॉर्निश क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ए स्पेनिश वर्ड। और कॉर्निश साइड जैसे आपको लिखा हुआ जो है वो शारजा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। ये बताना, ये लेक के साथ एक बिल्डिंग चल रही है। नाउ यू गाइस विल रियलाइज कि मैं यहाँ क्यों लेकर आया। सो दिस काइंड ऑफ होटल देयर नियर टू लेक, और आप यहाँ बैठ के चाय पी सकते हो। Assalamualaikum everyone, how are you? Hope you guys are enjoying my vlogs। और जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैं रोला मार्केट गया था, रोला स्क्वायर, और मैं वहाँ रोला स्क्वायर से वापस आ गया। और फिर मुझे अभी रिसेंटली मैंने कुछ मैप से कुछ जगह देखी कि वहीं करीब में एक लेक भी है, तो अब ये हो गया इशू। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम रोड होगा, बस कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, वो कुछ अराउंड 1 आवर लग जाएगा हमें पहुँचने में। तो प्लान ये है कि आज आपको दिखाता हूँ मैं कॉर्निश रोड, और व्हाट इज़ कॉर्निश, आई विल शो यू कॉर्निश रोड एंड लेक एंड देयर इज़ अ खालिद पोर्ट एज वेल। तो मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा आज, और चलते हैं लेक घूम कर आते हैं, फिर बातें करेंगे बाकी सारी, ठीक है? इन्जॉय माई व्लॉग्स, कीप वॉचिंग। चलो, तो रोला वाला जो व्लॉग था उसके अंदर मैं आपको ये वाली मस्जिद दिखाना भूल गया था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था, हम तो सिंपल जा रहे थे रास्ते में। आज मैंने दूसरा रोड लिया है, रोड चेंज किया है, तो आज हम कॉर्निश रोड पहुंचेंगे और आपको मैं वहाँ की लेक भी दिखाऊंगा। और ये मस्जिद जो स्किप की थी हमने, ये भी हमने दिखा दी यहाँ पर, ये भी इसी मतलब वो इसके बैक रोड से गया था, इस दफ़ा इस रोड से जा रहा हूँ, तो ये वाला चक्कर है बस। तो अभी हम जा रहे हैं अल महत्ता वाले रोड से, कुछ समथिंग अल महत्ता, इस रोड से जा रहे हैं, देखते हैं अभी आगे क्या और किस तरह से कितना रास्ता है हमारा। मतलब ऑलमोस्ट रोड जो है वो रोला वाला ही था, और कॉर्निश थोड़ा दूर पड़ेगा, तो वॉकिंग डिस्टेंस है भाई, कर लूँगा, टेंशन नहीं। लेकिन ये कि जो गिल एंजॉय करने मज़ा आता है वो अलग ही होता है, और ट्रैफिक बहुत अच्छी चल रही है, बाकी देखते हैं। और अल जुबेल के बाद मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक निशानी दिखाऊँ, ये है निशानी, टावर बना हुआ है, किंग टावर जिस तरह हमने भी बनाया हुआ था, और सामने जो है वो पुल चल रहा है, इसके बाद जो है वो अलजुबेल के जो मामलात हैं वो दिखाएंगे। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग ना हो मैं वहीं वीडियोस को क्रिएट करूँगी। सो फाइनली अभी भी रास्ता बाकी है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं ये कैप्चर करूँ। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत एक और मस्जिद है, यहाँ कदम कदम पर यहाँ मस्जिदों के जो है ना वो अच्छा है, यानी कि एक बड़ा डिसिप्लिन वाला चीज़ है। अच्छा, और सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे मोबाइल निकालने की वजह ये बनी कि दिस इज़ द शारजा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, तो व्हेनेवर यू गेट वीज़ा या कुछ भी, अगर आपका शारजा में कोई चीज़ आती है और बाय पोस्ट आती है, तो ये जो है वो शारजा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है, ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल निकाला कि शारजा पोस्ट ऑफिस के बाद आपको निकालना है। और ये खूबसूरत सी मस्जिद है यहाँ, और ये बिल्डिंग आपको नज़र आ ही रही है, तो शारजा पोस्ट ऑफिस आना पड़ेगा आपको जब भी कोई आपका पोस्टल आता है, तो दैट्स इट, सिंपल। सो हेलो वेलकम अगेन। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम कॉर्निश रोड जाएंगे, यानी कि कॉर्निश क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ए स्पेनिश वर्ड, और कॉर्निश साइड जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेरे पास, और मतलब मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर कॉर्निश लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कॉर्निश साइड। सो बेसिकली कॉर्निश क्या था और मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ वो आपको दिखाऊंगा। बेसिक इसका जो मेन स्टॉप है वो है अलमेराज स्क्वायर, अलमेराज स्क्वायर पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कल हमने जो है वो हमने जो है वो रोला मार्केट, रोला स्क्वायर वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी, और हमें नहीं पता था ये मुश्किल से कुछ अराउंड उसके 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या अराउंड 20 मिनट्स कह लेंगे, 20 मिनट्स दूर है उससे अलमेराज स्क्वायर और ये कॉर्निश सेट। तो अभी मैं लेके चलता हूँ कि मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। चलें, सो गाइस मैं आपको कॉर्निश क्यों लेकर आया था, तो लुक एट द व्यू, और दैट्स व्हाई मैंने आज दोबारा ये फुहारी की कि मैं इधर आ सकूँ। और व्यू देखो आप, दिस इज़ द पोर्ट एरिया और लॉन्चेस, देर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग, तो इधर बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी इंजॉयमेंट का एक अच्छा सा एक इनका ये ज़रिया है। तो हम देखते हैं अब इस कॉर्निश रोड को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि फ़िश जो है ना वो जान नहीं छोड़ेगी। मैं इधर पोर्ट पर आया तो इधर ऑल्सो मैंने लोगों से कुछ पूछा कि यार कौन सी जगह बेहतर है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको फ़िश वगैरह देखनी है तो आप वहाँ चले जाओ। फ़िलहाल मैं इस वक्त लेक के साइड चल रहा हूँ,
वगैरह फिश वगैरह देखनी है आप तो आप उस तरफ चले जाओ, और फिश नहीं देखनी है तो फिर आप उस तरफ घूमने चले जाओ। तो मैंने सोचा कि आ तो गया हूँ तो मार्केट थोड़ी सी सर्च भी कर लूँ कि किस तरह की मार्केट है और क्या सिलसिले यहाँ पे बोट्स वगैरह हैं, और मैं भी पूछता हूँ इनसे कि अगर इनका प्लान हुआ कि बोट में विज़िट कराने का तो फिर इंशाल्लाह विज़िट भी करेंगे कि कैसे होता। लेकिन फिश वगैरह दिखाने का मेरा इरादा तो नहीं है, और शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, और मनोरंजन यहाँ भी कुछ वैसे ही है, कुछ नया बोट के पास नज़र नहीं आ रहा। अभी देखते हैं फिश वगैरह कैसी लग रहा है। मुझे आजकल जो ना वो फिश ही के व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा मैं, शारजा हूँ, शारजा भी फिश, तो फूड व्लॉगिंग करना शुरू कर दूंगा मैं। बस एक आध दिन में जो ना मेरी फूड व्लॉगिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर मैं फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी का बस ये मंजर अच्छा, यहाँ का भी सिलसिला ऐसा ही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ आई थिंक बड़े वाले जाल जो होते हैं ना, वो जाल रखे हुए ताकि वो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने के लिए, या छोटी बोटी जो होती हैं उनको पकड़ने के लिए। और सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, मैं तो आया था कुछ अच्छा सा कैप्चर करने के लिए, मगर यहाँ पर भी मुझे वही सब चीज़ें मिल रही हैं, क्रीक बर्थ ABCD। और ये वाले जाल हैं, करीब से दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये जाल हैं, इसके अंदर ये जगह है आई थिंक, यहाँ से मछली अंदर घुसेगी तो उसके बाद बाहर नहीं आ सकेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मैंने अपनी तरफ से बनाई है कहानी। तो दिस इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन। और खूबसूरत मंजर है यार बहुत, इधर कुछ ख़ास तो है नहीं, और अज़ान का वक्त हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ ही बिक रही हैं, मछली के अलावा कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। और वही चीज़ें मछलियाँ भी उसी तरह की हैं, सब लॉन्च वगैरह हैं। तो आई थिंक व्लॉग का मज़ा ख़राब हो रहा है, मैं चलता हूँ दूसरी जानब जहाँ पर हम घूम सकते हैं, तो चलते हैं। ये लेक के साथ एक बिल्डिंग चल रही है दारुल कज़ा के नाम से, और ये बिल्कुल इसी लेक पर है, और आगे भी कुछ बिल्डिंग है बट ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है। और ये सारी बिल्डिंग, मेरा प्लान है उस मस्जिद तक जाने का, इस मस्जिद तक अगर मैं जा सका तो ठीक है, वरना इट इज़ टू मच फार फ्रॉम अवे। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, अगर चल सके इतना चलेंगे, लोग वॉक तो कर रहे हैं वैसे ही, और अच्छा है कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी और से ज़्यादा। तो अभी हम ये क्या भाई, देर इज़ समथिंग भाई, कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है हमें से क्या, हम बस चल रहे हैं आगे। और ये लेक दिखाते हैं मस्जिद, देयर इज़ अ बोट, और मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की रखी है उन्होंने, लेकिन अच्छी खूबसूरत सी है और बहुत ही रिलैक्स है यानी कि। सो जो है बस हम अब जाएंगे अपने लेक की जाने, और लेक को ही मज़ीद देखते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा सिलसिला होता जाएगा हम लेक को देखेंगे, और हम दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं देखने वाले, हम नहीं कि कैप्चर करने वाले कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें छीना लगे। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग, सो थक गया हूँ मैं चल चल कर, और शारजा की जो गलियाँ हैं मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट एक बुदानिक से लेके शाहरा और अल जुबेल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने विज़िट कर ली हैं, और मैंने आपको दिखा भी दी हैं। और इस वक्त हम जो ये छोटी सी एक लेक बनी हुई थी, मसनूई लेक है आई थिंक, इसको बस इधर से जाने के लिए विज़िट करने के लिए बनाया हुआ है। तो दिस लेक इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। तो फाइनली जो मैंने शारजा के जो ब्लॉग्स हैं वो जो एक बुदानिक का ब्लॉग है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट निपटा दी हैं। अब हमारा सिनेरियो है कि हम जाएंगे आगे, अल जुबेल हमने विज़िट कर लिया था, और जुबेल विज़िट करने के बाद हमने अपना सारा काम निपटा लिया है, और लेक भी हो गई, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डन कर ली हैं। और अब जो इसके आगे का व्लॉग है वो ये है कि अब नेक्स्ट विज़िट को देखेंगे, कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखेंगे, कोई नेक्स्ट ऐसा सिनेरियो हम देखेंगे कि जहाँ पर हम अपना नया व्लॉग बना सकें। मैं जाऊँगा भी, फिर कुछ होमवर्क करेंगे इसके बारे में, और फिर मज़ीद इसको व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, और अब हम क्या करेंगे कि हम अपने मज़ीद व्लॉग्स जो हैं उसको डिफरेंट लोकेशन पर कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।